কিছু ভাষণ যা কখনো ভুলতে নেই, কিছু ঘটনা যা সহজে ভোলা যায় না, কিছু লড়াই যা ভুলে যাওয়া অসম্ভব, এরকমই না ভুলতে পারা বিভিন্ন খবর নিয়ে আমাদের নতুন বিভাগ ফিরে দেখা। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, সেখানে ধাক্কাতে কি হয়েছে, চোট লাগতেও পারে এই ধরনের ঘটনাতে, আর যুবকদের উৎসাহ একটু বেশি থাকে, তার প্রতিফলস্বরূপ তাদের যেভাবে নির্মমভাবে লাঠি চালানো হয়েছে, বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন, 40 জনকে এখন থানায় আটকে রাখা হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতি আসা উচিত নয়, কিন্তু পুলিশের ব্যবহার এবং অকর্মণ্যতার জন্য এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, হাতে বাইরে চলে যাচ্ছে। ऐसा नहीं है गिरिधर, एक तरफ अनुग्रह तो पुलिस पे निशाना कर रहा है, दूसरी तरफ आप विरोधी दल के रूप में कर रहे हैं, तो बीच में पुलिस की स्थिति देखिए। अनुग्रह तो जो रूलिंग पार्टी उनके एक नेता है, जो दो दो गाड़ी पुलिस का प्रोटेक्शन में घूमते हैं, उनकी हिम्मत नहीं खुले हमारे जैसे घूमे, और फिर उसी पुलिस को सबके सामने वो हटाते हैं। क्यों? लोगों को समझाते हैं कि देखो पुलिस को हम इतना डांट सकते तो उसको कितनी भूली है, ये उनकी पुराना प्रोटेक्शन आज नहीं है, 2-3 साल पहले से ही बोले हम पुलिस को बम मारने के लिए बोलते हैं, और बोलते नहीं है, मारते भी है, बोले बोले में बम बनाकर अपने ऑफिस में रखते हैं, एक बार बम फूटता है तो ऑफिस भी गायब हो जाती है, ये सब कोई जानते हैं, और यही उनकी पॉलिटिक्स है। तो जिस प्रकार से सरकारी दल का कोई नेता पुलिस को धमकी दे सकता है, सारे हम इस प्रकार बात कर सकता है, तो हम करने से बड़ी गलती हो जाती है, जबकि हमको मारा पीटा जा रहा है, एक केस दिया जा रहा है, जहां तक संभव जैसा हम अपराधी इस प्रकार पुलिस हमारे साथ व्यवहार करती है, एक राजनीतिक कर्मी के साथ करती है, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष का रिस्क किया जाता है, तो हम जब इसका विरोध करते हैं बड़े बड़े भाषा से, तो हमारे लिए आलोचना होता है, क्यों आप ऐसा बोलते हैं, क्या हम मार खाने के लिए राजनीति करने आए हैं, ना कि हम बॉन्ड लेके आए कि पुलिस जो चाहे हमारे ऊपर कर लेगी, सरकार जो चाहे कर ले, हम चुप रहेंगे, हम तो चुप रहने वाले नहीं है, डेमोक्रेसी सबको अधिकार देती है अपना बात करने के लिए, प्रतिवाद करने के लिए, लेकिन वो हमारा मुंह बंद करके कोई चाहे दबा देगा ये नहीं होगा। सरकार का जिम्मेदारी है यहाँ और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, हम विरोधी दल है, हम विरोध करेंगे, चाहे उसमें श्रृंखला की हानि हो जाए भी, तो वो जायज है डेमोक्रेसी में, लेकिन पहले सरकार अपने घर में झांके, अपने नेता मंत्रियों की जो डायलॉग आता है उसको संभाल के रखें, तो फिर हम अपने औकत पर रहेंगे, हम भी उसी डिसिप्लिन में काम करेंगे।